श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नवीन मंदिर के गर्भगृह में मुख्य यजमान बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। पूजा के समय पहली बार दिव्य भव्य आकर्षक 5 वर्ष बालक के रूप में भगवान राम की मनमोहक तस्वीर आते ही पूरे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गई। रामलला की मूर्ति को करोड़ों रुपए के आभूषणों से सजाया गया है। पीएम मोदी ने भगवान राम को क्षत्र भी दिया। इन आभूषणों को बनाने में बहुत ही कीमती रत्नों का इस्तेमाल हुआ है। गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको सजाने के लिए बेहद महंगे आभूषणों का इस्तेमाल हुआ है। उनके सिर पर सोने और हीरे से बना मुकुट है, उसके बीच में एक पन्ना रत्न का प्रयोग हुआ है। माथे पर लगे तिलक में भी हीरे और माणिक्य हैं। भगवान के कानों के कुंडल में मोती, पन्ना और माणिक्य का इस्तेमाल हुआ है। गले के हार में भी पन्ना, माणिक्य, मोती और हीरे हैं। इसके अलावा कई अन्य आभूषणों से भी भगवान श्रीराम को सजाया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी की कीमत करोड़ों रुपए में है।